फाइव डिवीजन माइंड लर्निंग प्लान में हम लर्न डिवीजन बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन और सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम, ठीक है, इन्वॉल्विंग डिवीजन हम ये देखेंगे। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, डिवीजन टू द सॉरी डिवाइड टू फाइंड द क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर इफ एनी। यहाँ ए टू एल क्वेश्चन दिए, हमें अपनी नोटबुक में करने, देखिए कैसे करने हैं। देखिए इसे ऐसे बनाते हैं, इसका ग्रिड यहाँ, डिवीजर होता है हमारा, ठीक है, इसका टेबल बोलेंगे हम यहाँ, डिविडेंड, यहाँ आंसर आएगा जिसे हम क्वेशेंट कहते हैं। और अगर कुछ सॉल्व करने के बाद बच जाता है तो बचे हुए नंबर को हम रिमाइंडर कहेंगे, ठीक है। देखिए सम्स इसके 775 डिवाइड बाय 5, हमें पीछे वाले नंबर को आगे लिखना है। ये हमने ग्रिड बनाया, इसके अंदर हमें 775, आपको एक एक ब्लॉक में लिखना है, ये सब 5 का टेबल बोलना है, ठीक है। 5 के टेबल में 7 को लिखना है, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 4 20, 5 5 25, ठीक है। क्या 5 की टेबल में 7 आता है? या तो 7 आना चाहिए, या 7 नहीं आता है तो उससे छोटा नंबर। देखिए 7 तो आएगा नहीं 5 की टेबल में, या तो 5 आएगा या फिर 10 आ जाएगा, लेकिन छोटा नंबर क्या आ रहा है, देखिए 1 टाइम 5 1 1 टाइम आ रहा है, यहाँ आंसर चलेगा और यहाँ 5 लिख दीजिए। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, 7 - 5 2, और अब इसको बुला लेंगे अपन, ये आ रहा है एक नंबर साथ में उतर के 27। अब हमें 5 की टेबल में 2 7 किसको ढूंढेंगे, 27 को, लेकिन 27 नहीं आता है, उससे छोटा नंबर देखिए अब क्या आ रहा है, 25, 5 टाइम सब्ट्रैक्ट कीजिए, और अब कौन आ रहा है, 5। देखिए 5 की टेबल में 25, 5 5 25, ये हमारा क्वेश्चन, और 0 क्या आया, रिमाइंडर, ठीक है। देखिए बी, पीछे वाला नंबर आगे लिखिए, आप क्वेश्चन लिखेंगे, मैं सॉल्यूशन दे रही हूँ डायरेक्ट, 5872। देखिए 4 की टेबल में 5 नहीं आता, लेकिन 4 आता है 1 टाइम, 4 1 4, 5 - 4 1, और ऊपर से कौन आ रहा है, 8। 4 के टेबल में 18 को ढूंढिए, 4 टाइम 18 नहीं आता, 18 से छोटा नंबर 6। देखिए 4 4 16, 8 - 6 2, 1 - 1, नथिंग, और अब कौन आ रहा है पास में से, हर एक चांस पे एक एक नंबर उतर के आएगा, 7। अब हमें 27 को ढूंढना है, लेकिन 4 की टेबल में 4 6 24, और 4 7 28, देखिए 28 तो बड़ा हो गया, 24 छोटा नंबर, ठीक है, 7 टाइम। अब यहाँ 3 बच्चा, यहाँ कुछ भी नहीं, और अब इस चांस पे कौन आ रहा है लास्ट में, 2। देखिए 4 8 32, रिमाइंडर 0 और क्वेश्चन 1478, ठीक है। देखिए नंबर सी, 5 से हमें 6781 को डिवाइड करना है, 5 की टेबल में 6 को ढूंढिए,
सिक्स नहीं आता तो सिक्स से छोटा फाइव, वन टाइम सब्ट्रैक्ट कीजिए, सिक्स माइनस फाइव वन, और इस चांस पे आ रहा है सेवन। देखिए फाइव थ्री सा फिफ्टीन, क्योंकि सेवनटीन नहीं आता है, छोटा नंबर बिल्कुल पास वाला सबसे छोटा नंबर है ना, ये टू, ये कुछ भी नहीं। और अब आ रहा है एट, ट्वेंटी एट नहीं आता, उससे छोटा ट्वेंटी फाइव, फाइव टाइम। यहाँ ज़रूर एंट्री कीजिए कितनी बार आता है, थ्री। और ये अब आया है वन, फाइव सिक्स थर्टी, यहाँ वन बच गया। और अब कुछ भी नंबर नहीं आ रहा है, लेकिन वन इसको डिवाइड ही नहीं कर रहा, रिमाइंडर बच रहा है। ये रिमाइंडर वन, 1356 इज क्वेशेंट। देखिए डी, सेवन की टेबल से हमें डिवाइड करना है 8705। ये नंबर ए के स्क्वायर में चलने चाहिए आपके। सेवन की टेबल में एट नहीं आता, लेकिन छोटा नंबर सेवन आता है, वन टाइम सब्ट्रैक्ट किया वन, और ऊपर से आया सेवन। सेवन टू ज़ा फोर्टीन, सेवन थ्री ज़ा ट्वेंटी वन, फोर्टीन ही छोटा है इसका नंबर। सेवन माइनस फोर थ्री, और अब आ रहा है ऊपर से ज़ीरो। देखिए फोर्टीन टू टाइम आ रहा है। सेवन की टेबल में थर्टी नहीं आता है, लेकिन थर्टी से छोटा फोर टाइम क्या आता है, ट्वेंटी एट। अब थर्टी माइनस ट्वेंटी एट टू, ऊपर से बुला लीजिए फाइव को। देखिए ट्वेंटी फाइव, सेवन टू ज़ा सेवन, सेवन टू ज़ा फोर्टीन, सेवन थ्री ज़ा ट्वेंटी वन, सेवन फोर ज़ा ट्वेंटी एट, छोटा नंबर कौन सा आ रहा है, ट्वेंटी वन, थ्री टाइम सब्ट्रैक्ट करने पर फोर, फोर इज रिमाइंडर, एंड 1243 इज क्वेश्चन।